नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्न होंगे। थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा क्योंकि ये जो प्रश्न है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली ये जो प्रश्न है वो काफ़ी आपको समय ले सकते हैं अगर इसके आप स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप मेरे प्रोसेस से मैच कीजिए कि कैसे आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहाँ पे फंस रहे थे और मैं कैसे सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 कैंडल के बेचने से प्राप्त लाभ 3 बल्ब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जबकि 10 बल्ब के बेचने से प्राप्त घाटा 4 कैंडल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसके जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे वैसे वैसे हम प्रश्न को लिखना चालू करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली लैंग्वेज को हम डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, इतने सारे वर्ड आपको लिखे दिख रहे हैं। ठीक है, इसको आप सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को पढ़िए और लैंग्वेज को पढ़ते के साथ साथ इसको आप कन्वर्ट करते रहिए आप अपने डिजिट में। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। 10 कैंडल के बेचने से प्राप्त लाभ 3 बल्ब के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 3 बल्ब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 कैंडल बेचा होगा। ठीक है, तो 10 कैंडल का सी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सी है और ये कैंडल है। ठीक है, 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस 10 सी है। ठीक है, अब इसका एसपी क्या होगा, 10 कैंडल का एसपी होगा। ठीक है, तो ये जो लाभ होगा, ठीक है, ये एसपी है तो ये हो जाएगा, इधर हम इसको लिखेंगे 10 कैंडल का एसपी माइनस 10 कैंडल का सीपी कितना है, 3 बल्ब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 बल्ब यानी कि 3 बल्ब के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बल्ब के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 बल्ब के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 बल्ब के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था। जबकि 10 बल्ब के बेचने पर प्राप्त घाटा, 10 बल्ब के बेचने पर यानी कि 10 बल्ब को बेचा, यानी कि 10 बल्ब को बेचने पर प्राप्त घाटा 4 कैंडल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 10 बल्ब को बेचेगा तो यानी कि 10 बल्ब है, 10 बल्ब को बेचेगा तो यानी कि घाटा होगा, तो यानी कि कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस 10 बल्ब का, 10 बल्ब का कॉस्ट प्राइस माइनस 10 बल्ब का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कितना है, घाटा हो गया कितना, 4 कैंडल के विक्रय मूल्य यानी कि 4 कैंडल के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। ठीक है, 4 कैंडल के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतना तो स्टेटमेंट हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि लाभ परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है और हानि प्रतिशत बराबर है, तथा कैंडल का दाम बल्ब के दाम का आधा है, कैंडल का दाम, कैंडल का क्या दाम होगा, कैंडल का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू बल्ब का कॉस्ट प्राइस आधा है किसके, कैंडल का दाम बल्ब के दाम का आधा है, बल्ब का दाम है इसका आधा है। ठीक है, ये आधा है, यानी कि अगर ये कैंडल का दाम बल्ब के दाम का आधा है तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि कैंडल तथा बल्ब के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, यानी कि पूछ क्या रहा है, कैंडल तथा बल्ब के विक्रय मूल्य का अनुपात यानी कि सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या है। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट और क्या कह रहा है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट बराबर है। तो लाभ परसेंट क्या है, ये लाभ होता था और ये हानि होता था, ये लाभ है। ठीक है, और ये हानि हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लाभ हो रहा है इसी क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, 3 BS/10 CC, ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाभ परसेंट हो जाएगा, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शन में ही रहने दे रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ 100 100 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू हानि परसेंट क्या है, 4
सी एस अपॉन हानि किस पे हो रहा है, 10 BC यानी कॉस्ट प्राइस 10 BC, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमको फाइंड क्या करना है कि कैंडल तथा बल्ब के विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कैंडल का सेलिंग प्राइस और बल्ब का सेलिंग प्राइस के अनुपात। तो हमको सी एस अपॉन बी एस एक्चुअली निकालना है। तो हम देखते हैं कहाँ पे सी एस है, यहाँ इसके नीचे हमको बी एस लाना है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। यानी कि ऐसे कर सकते हैं इसको, यानी कि अगर इसको पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को इधर ले गए तो 3 × 10 BC, और इस 4 को नीचे ले आए, ठीक है, अपॉन 10 CC × 4 इक्वल टू सी एस, और इस बी एस को नीचे लेके आए बी एस, यानी कि सी एस अपॉन बी एस मेरा आ गया, यही वाला टर्म हमको पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और ये बी सी अपॉन सी सी, ठीक है, बी सी अपॉन सी सी का हमको वैल्यू दिया है, बी सी अपॉन सी सी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ बी सी अपॉन सी सी, इस पूरे वैल्यू को हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2/4, यानी कि 2, यानी कि 3:2 आ जाएगा, यानी कि सी एस अपॉन बी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको एक्चुअली यही पूछ रहा था कि सी एस अपॉन बी एस का क्या रेशियो आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व किए, आप देखें इसके लैंग्वेज पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम इसके लैंग्वेज को अपने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेंगे कि कैसे ये लैंग्वेज को हम आसानी से इसके जो लैंग्वेज को हम इसके जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें लिखेंगे। अगर आप इसके मैथमेटिकल फॉर्म को नहीं लिखेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप पहले अपनी तरीके से बनाइए, देखिए कि कितना समय लगता है, और आप देखिए इस तरीके से लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए, आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि पहली बार में ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एक व्यापारी लाभ परसेंट खरीदे हुए मूल्य पर गणना करता है। जो लाभ परसेंट वो गणना करता है, कैलकुलेट करता है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज वो कैलकुलेट करता है, वो क्या करता है कि वो खरीदे हुए मूल्य पे गणना करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे लाभ परसेंट गणना करता है। जबकि दूसरा व्यापारी है वो बेचे हुए मूल्य पे गणना करता है, जो उसका लाभ परसेंट होता है वो बेचे हुए मूल्य पे गणना करता है, क्या लाभ परसेंट, यानी कि वो SP पे लाभ परसेंट गणना करता है। जब उनके विक्रय मूल्य बराबर होते हैं तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपया। जब उनके विक्रय मूल्य यानी कि दोनों व्यापारी के विक्रय मूल्य बराबर हैं तो दोनों के बीच का जो वास्तविक अंतर है, लाभ का अंतर है, वो 85 रुपया है, ठीक है। और दोनों 20% लाभ प्राप्त करते हैं, यानी कि जो दोनों कहते हैं कि हमने 20% लाभ प्राप्त किया, लेकिन कैसे, किस कंडीशन पर लाभ प्राप्त करते हैं, वो ऊपर वाला सेंटेंस बता रहा है कि एक विक्रय मूल्य पे है और एक क्रय मूल्य पे। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, तो प्रत्येक जो ट्रेडर है यानी कि जो व्यापारी है उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो इस तरीके का प्रश्न को हम एक क्या कर सकते हैं कि इसमें एक ट्रिक छुपा हुआ है कि इसमें इसके बर्ड, ये समझिए आप, ये बर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बर्ड प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है क्या कि एक लाभ परसेंट, तो ऑब्वियस है कि लाभ परसेंट किस पे है, CP पे होता है, लेकिन एक व्यापारी कह रहा है कि नहीं, हम जो लाभ परसेंट कर रहे हैं वो SP पे कर रहे हैं। वहीं डिफ़िकल्ट कर देता है क्वेश्चन को, कैसे हम उस बर्ड को समझते हैं, ठीक है। और दोनों क्या है कि 20% लाभ प्राप्त करते हैं, यानी कि 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि अगर CP, ठीक है, CP और SP की मैं बात करूं, ठीक है, CP अगर 5 है तो एक का 6 होगा SP, 20% लाभ है, तो पहला ट्रेडर का, फर्स्ट ट्रेडर का अगर CP 5 है तो ये SP कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 20% लाभ है CP पे। अब क्या है कि दूसरा जो है, दूसरा ट्रेडर, वो लाभ परसेंट उसका भी 20 है लेकिन वो SP पे है, तो जो 1/5 लिखते हैं ये नीचे क्या चीज़ लिखते हैं, जब ये 5 पे लाभ हो रहा है, यानी कि 5 CP है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि 5 SP है, ठीक है, ये 5 SP है जो नीचे लिखा है उसी पे हम परसेंटेज गेन हो रहा है। तो 5 जो पहले कंडीशन में 5 CP था वो अब क्या है कि दूसरे कंडीशन में 5 SP है, और ये 5 SP लाभ है एक का, एक ये 1/5 होगा, 20% क्या होगा, 1/5, तो 5 SP है 1
लाभ है यानी कि वन प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी फोर हो जाएगा। यही फंडा है कि अगर पांच एसपी है, हम एसपी पे परसेंटेज काउंट कर रहे हैं 20% एसपी पे सेकंड कंडीशन में, तो वन है जो प्रॉफिट हो रहा है। वन प्रॉफिट कब हो रहा है, जब एसपी पांच है तो सीपी क्या होगा, चार हो जाएगा, चार प्लस वन इक्वल टू फाइव एसपी, ठीक है। तो चार क्या हो जाएगा, अगर पांच चार सीपी होगा और पांच एसपी होगा दूसरे कंडीशन में, यही कह रहा है प्रश्न। तो अब प्रश्न में कुछ बचा ही नहीं कि इस ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। अब क्या है कि ये क्या कह रहा है कि जब उनके विक्रय मूल्य बराबर होते हैं तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपया होता है। जब इनके विक्रय मूल्य बराबर हैं तो विक्रय मूल्य तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो विक्रय मूल्य को हम कैसे बराबर करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एसपी दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी कि इधर भी 5 से करेंगे और इधर भी 6 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 और ये 30, ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। अब लाभ ही इसका देखते हैं, लाभ इसका कितना हो गया, इसका लाभ है 5 और इसका क्या है लाभ 6, लेकिन कह क्या रहा है कि वास्तविक अंतर कितना है 85 और यहाँ पे क्या वास्तविक अंतर है 1 है, तो 1 की वैल्यू 55 दिया है, ठीक है, 1 की वैल्यू 55 दिया है, क्योंकि लाभ इतना है फर्स्ट व्यापारी को इतना 5 लाभ हो रहा है, सेकंड व्यापारी को 6 लाभ हो रहा है, और दोनों के वास्तविक लाभ का अंतर कितना है 85 है, तो इसके लाभ का अंतर कितना है 1 है, तो 1 अगर 85 डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 30 है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 5 3 15 8 3 24 25, यानी कि 2550 इतना प्रत्येक का विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली प्रश्न में कुछ था ही नहीं, बस ये आपको समझना था कि चार और पाँच ये जो विक्रय मूल्य पे परसेंटेज हम काउंट कर रहे हैं उसको कैसे समझेंगे, ठीक है। जिस पे हम परसेंटेज काउंट कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, उतना परसेंटेज हो रहा है, तो ये जो नीचे था वो एसपी था क्योंकि एसपी पे हम काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।